क्या है ओम का महत्व, कैसे हुई ओम की उत्पत्ति। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध धर्मों में ओम अथवा ओंकार को पवित्र माना गया है। ओम से कई मंत्रों की उत्पत्ति हुई। क्या आपको पता है कि ओम शब्द कहां से आया, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और इसका अर्थ क्या है? धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से ओम का बड़ा ही महत्व है। हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख जैसे धर्मों में ओम अथवा ओंकार की ध्वनि को पवित्र माना जाता है। ओम शांति का प्रतीक है। यह शब्द हमारे मन के अंदर है और बाहर भी है। ओम हिंदू समेत विभिन्न धर्मों का पवित्र चिन्ह है। अधिकतर मंत्रों की उत्पत्ति भी ओम से ही हुई। इसमें पूरे ब्रह्मांड का सार निहित है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो मन के अंदर एक ध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि ओम की होती है। हम श्वास लेते हैं तो तब भी ओम की ध्वनि निकलती है। इसका सीधा संबंध परमेश्वर से है। ओम ही ब्रह्मा है। ओम ऐसी ध्वनि है जिसका कभी क्षरण नहीं हो सकता। कई शास्त्रों में ओम का महत्व बताया गया है। भागवत गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ओम का उच्चारण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। वैसे तो ओम की उत्पत्ति का वर्णन कहीं नहीं दिया गया है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ओम की उत्पत्ति शिव के मुख से हुई। हालांकि ऋग्वेद और यजुर्वेद से लेकर कई उपनिषदों में ओम का जिक्र मिलता है। मंडूक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल में एवं इनसे भी परे जो हमेशा हर जगह मौजूद है, वो ओम है। यानी ओम इस ब्रह्मांड में हमेशा से था, है और रहेगा। इसका कभी क्षरण नहीं हो सकता। यह एक नियमित ध्वनि है। इस ब्रह्मांड में जब किसी तरह का शोर नहीं होगा, तब सिर्फ एक ध्वनि सुनाई देगी, वो है ओम। जैन धर्म में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और मुनियों को पंच परमेष्ठी माना गया है। इनके आद्य अक्षरों को मिलाया जाए तो ओम की ध्वनि निकलती है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने कहा था कि एक ओंकार सतनाम अर्थात ओंकार ही अटल सत्य है। हमारे द्वारा बोले जाने वाले सभी शब्दों की एक सीमा होती है, मगर ओम की कोई सीमा नहीं होती। यह असीमित होता है। बौद्ध धर्म में ओम मणि पद्मे हुम मंत्र का बड़ा महत्व है। कुछ विद्वानों के मुताबिक इस मंत्र का अर्थ है, ओम वो मणि है जो कमल पर विराजमान है।